Cara, no 64 शुक्रवार तीसरे पेज के बाद में बात आदि में बात चल रही थी। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे बड़ी संभाल करते चलना, माया बड़ी शैतान है। ये मोस्ट बिलेवेड बाप बैठ करके कहते हैं, शकील दे बच्चे, मेरे सपूत बच्चे, क्योंकि बाप तो जानता है ना, जैसे लौकिक बाप जानते हैं, ये पारलौकिक बाप भी ऐसे ही इस समय में, क्योंकि इस समय में विराजमान है। किस समय में? संगम युग में, सारे ही संगम युग में या पुरुषोत्तम संगम युग में? किस पुरुषोत्तम संगम युग में विराजमान है? नहीं तो पारलौकिक बाप कहते हैं, भला मैं कैसे आऊं? मेरा आना तो जरूर है ना, फिर मैं खुद आ करके बताता हूं कि मैं इसके तन में आता हूं। खुद आके बताता हूं, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अगर कोई दूसरा बता सकता तो वो ही खुदा हो जाए, वो खुद ही आकर के बताते हैं और इसके तन में आकर के बताते हैं। क्या बताते हैं? है? कि मैं किस मुकर्रर रथ में आता हूं। देखो कितने विश्वास करते हैं किस बात पर? मुकर्रर रथ में आता हूं इस बात पर कितने विश्वास करते हैं, और आगे चल करके बहुत विश्वास करेंगे। करेंगे माने भविष्य में भी विश्वास करेंगे, ढेर विश्वास करेंगे, क्योंकि झाड़ तो बढ़ना है ना, जरूर बढ़ना है और बहुत बढ़ना है। कौन सा झाड़ है? जिसका बीज ज्ञान चंद्रमय है वो झाड़, जिसका बीज इब्राहिम है वो झाड़। कौन सा झाड़ बहुत बढ़ना है? नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी झाड़ नहीं, ये सारी मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, 500 करोड़ पत्तों का झाड़, बहुत बढ़ना है। ये बात तुम ही समझते हो कि कितने विश्वास करेंगे, बताओ कितने विश्वास करेंगे? है? बस 16,000 विश्वास करेंगे कि सब मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज है, एक है,
सोलह हजार का ही बीज बाप है, बीज को बाप कहा जाता है। उस बाप को सिर्फ सोलह हजार ही जानेंगे, पहचानेंगे, विश्वास करेंगे। हाँ, 500 करोड़ की जो भी मनुष्य सृष्टि है, 500 कहो, 750 करोड़ कहो, सभी मनुष्य मात्र इस बात पर विश्वास करेंगे कि ये मेरा बेहद का बाप आया हुआ है। कितने तो विश्वास करेंगे और कितने आएंगे भी, कहाँ आएंगे है? बाप के सन्मुख आएंगे। देर भगवान के आगे भक्तों की भीड़ होनी है। क्यों? भगवान के आगे बच्चे ही आने चाहिए कि भक्त भी आने चाहिए? भगवान के बच्चे भी हैं जिन्हें वारसदार कहा जाता है, और भगवान के भक्त भी हैं। वो वारसदार नहीं बनते हैं, लेकिन वो भक्त भी भगवान को बहुत प्यारे तो हैं। तो ऐसे भक्तों की भी भीड़ होनी है। अभी भगवान कहाँ है? जिसके पास भक्तों की भीड़ हो, कहाँ है? कब की बात पूछी? 64 में बात पूछी। अभी भगवान कहाँ है? जिसके पास भक्तों की भीड़ हो। पूछा है तो जवाब देना चाहिए ना। कहाँ है? अभी माने कभी? 64 में कहाँ है का क्या जवाब देंगे कि 64 में भगवान कहाँ है? अरे, जो भी बच्चे इस मुरली को सुन रहे थे उनके पास ये जवाब नहीं था। क्या जवाब था? है? उनके पास क्या जवाब था? उनके पास जवाब था, हमारे सामने ब्रह्मा बाबा में भगवान बैठे, लेकिन भगवान उस समय था। अगर था तो गीता का भगवान प्रैक्टिकल में था, अगर नहीं था तो गीता का भगवान प्रैक्टिकल में नहीं था। क्या ब्रह्मा के तन में गीता का भगवान प्रैक्टिकल पार्ट बजाता है? है? गीता को माता कहा जाता है और भगवान को गीता पति भगवान कहा जाता है। तो जो गीता पति भगवान है वो गीता के रोम रोम को जानेगा या उस गीता माता के साथ और जो संबंधी है, बेटा है, बेटी है, नाना है, चाचा है, काका है, ताऊ है, वो उसके रोम रोम को जानेंगे। कौन जानेगा? गीता माता का पति ही गीता माता के रोम रोम को जानेगा। तो क्या ब्रह्मा बाबा
गीता माता के एक एक शब्द के हिज्जे हिज्जे को जानते थे। गीता माता के एक एक शब्द के विस्तार को जानते थे, गहराई को जानते थे, हैं? नहीं जानते थे, इसलिए ये नहीं कहेंगे कि भगवान जो गीतापति कहा जाता है वो ब्रह्मा के तन में आया या ब्रह्मा के रूप में आया। भक्तों की भीड़ कहाँ देखो, जो भक्तों की भीड़ होती है भक्ति मार्ग में, वो बड़ी से बड़ी भीड़ कहाँ होती है, तीर्थों में होती है। अरे तीर्थों में भी कोई तीर्थ होगा ना, जहाँ सबसे बड़ी भीड़ होती हो वो भी कोई तीर्थ है, है? हाँ, गंगा सागर का मेला, कुंभ मेले में भी भीड़ होती है, जहाँ कई नदियाँ इकट्ठी होती हैं, इलाहाबाद में, परंतु उससे भी जास्ती भीड़ गंगा सागर पर होती है। सागर के ऊपर देखो, गंगा जमुना के ऊपर देखो, क्या सागर के ऊपर देखो, सागर माना क्या और गंगा यमुना माना क्या? सागर का भी कोई बाप है? अच्छा, गंगा यमुना का कोई बाप है? है? गंगा यमुना का तो बाप सागर ही है। नदियां कहाँ से आती हैं? सागर से आती हैं, सागर में विलीन हो जाती हैं। परंतु इस सृष्टि पर सागर का बाप तो कोई नहीं। अब कोई बतावे कि गंगा यमुना पर वहां कोई भगवान तो नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ नदियां हैं या भगवान बैठा हुआ है? भगवान तो सबका बाप है, वो अगाध है, उसकी गहराई आज तक किसी ने नहीं नापी है। सागर की गहराइयों का कोई को पता चला आज तक? नदियों की गहराई नाप लेते हैं, तो कुंभ के मेले में सिर्फ नदियां हैं, फलाने हैं, चित्र तो बने हुए हैं, अच्छा सेवका भी तो है। कुंभ के मेले में शिव की भी तो पूजा होती है, तो वहां भी सब आकर के भीड़ तो नहीं मचाते हैं। सब माने जो भी
ज्ञान इस रानी में महत्व को समझते हैं, जानते हैं कि ईश्वर के ज्ञान के बिना सदगति नहीं हो सकती। वो सब आकर के भीड़ तो नहीं मचाते हैं। तुम जानते हो कि इस भगवान के ऊपर जबकि यहाँ भीड़ कितनी मचेगी, क्योंकि ये सारा झाड़ है ना, हद का झाड़ है, बेहद का झाड़ है, ये बेहद मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, और सागर भी हद का है या बेहद का है? ये बेहद का ज्ञान सागर है, और वो तो जरूर होगा। ये भिन्न भिन्न प्रकार की राजाइयां हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, इस्लामवंशी, क्रिश्चियन वंशी, सभी वंशों में राजाइयां तो हुई हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की राजाइयां हैं। बहुत विशाल बुद्धि चाहिए, क्योंकि इन भिन्न भिन्न प्रकार की नंबरवार अनेक प्रकार की राजाइयों में समझने में बुद्धुओं का तो काम नहीं है। जो भगत इतनी भक्ति करते हैं कि भगवान आएगा तो उनके दर पर सन्मुख आएंगे, किनके दर पर? दर माने दरबार, दरवाजा। भगवान आएगा तो उसका भी कोई दर होगा या नहीं होगा? जैसे मुसलमानों की दरगाह होती है, उनकी भी बड़ी से बड़ी भीड़ कहीं लगती है, भारत में कहाँ लगती है बड़ी से बड़ी भीड़ मुसलमानों की? है अजमेर में लगती है, और दुनिया के हिसाब से बड़ी से बड़ी भीड़ कहाँ लगती है? तो मक्का मदीना में जाते हैं हज करने के लिए, समझते हैं वहां भगवान का दर है, तो यहां भी जो भक्ति इतनी भक्ति करते हैं कि भगवान आएगा तो उन भगवान के दर पर आएंगे कौन? भक्त भी आएंगे। बच्चे तो भगवान के घर में होते ही है, लेकिन और कौन आएंगे? भक्त भी आएंगे तो कितनी भीड़ मचेगी। भक्त किन्हें कहा जाता है? है भक्त किन्हें कहा जाता है और बच्चे किन्हें कहा जाता है? है जो बच्चे होते हैं वो नंबरवार बारिश होते हैं बाप के वर्षे के,
बाप बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का है। क्या है बेहद का वर्षा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। तो भक्त मुक्ति जीवन मुक्ति में आते हैं लंबे समय के लिए या बच्चे मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं लंबे समय के लिए? बच्चे पाते हैं। जो भक्त हैं वो कौन से युग से आएंगे? द्वापर से आएंगे। जो द्वापर से आएंगे भक्त भगवान की भक्ति करेंगे उनमें भी जो भागते रहते हैं भक्त, भक्तों का काम क्या? भागना, इधर भागना उधर भागना, इधर तीर्थों पर उधर तीर्थों पर, चारों ओर चक्कर काटते हैं। ब्रॉड ड्रामा में ही या संगम युग में भी है? संगम युग में भी चक्कर काटते हैं। बुद्धि का ठिकाना एक जगह नहीं मिलता। तो ऐसे भाग दौड़ करने वाले भक्त दो प्रकार के हैं। एक तो वो है जो सभी धर्मों में देखे जाते हैं, लेकिन वो अपने धर्म में पक्के रहते हैं। क्या कभी कन्वर्ट नहीं होते? वो कौन से युग से आते हैं? ऐसे भक्त कौन से युग में होते हैं? द्वापर में होते हैं। लेकिन और मेरे भक्त हैं जो सतयुग त्रेता में भी आते हैं, वहां तो भक्ति करने की बात नहीं, लेकिन द्वापर युग में भक्ति करते हैं, बहुत भागते हैं, एक धर्म छोड़ करके क्या करते हैं? दूसरे धर्म में भागते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं कि भागते ही रहते हैं, जैसे आर्य समाजी, जहां देखी तबा बारात वहीं बिताई सारी रात, इस्लाम धर्म आया तो वहां कन्वर्ट हो गए। सबसे लास्ट धर्म है या पहला है, दूसरा तीसरा है? लास्ट वाला है। तो ज्यादा पावरफुल होंगे कि कम पावरफुल होंगे? है कम पावरफुल होते हैं, बुद्धि कमजोर होती है, इसलिए फैसला नहीं कर पाती। कमजोर बुद्धि होने के कारण थोड़ा सा किसी धर्म में दुख मिलता है, फट से अश्रद्धा बैठ जाती। इब्राहिम आया इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए, क्राइस्ट आया क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुए, बौद्धी आया बौद्धी धर्म में कन्वर्ट हुए, कन्वर्ट होते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। फिर अपन को क्या कहते हैं? वो लास्ट में जाकर अपन को क्या कहते हैं? हम किस धर्म के हैं?
कहते हम हिंदू धर्म के हैं क्राइस्ट के द्वारा स्थापन किया क्रिश्चियन धर्म होता है बुद्ध के द्वारा स्थापन किया हुआ बौद्ध धर्म होता है ये अपन को हिंदू धर्म कहते हैं परंतु इनको पता ही नहीं चलता कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया हिंदू का अर्थ क्या है क्या अर्थ हुआ हिंग माने हिंसा दू माने दूते दूर करने वाला हिंसा को दूर करने वाला हिंदू धर्म हुआ तो बताओ द्वापर युग से जो भी द्वैतवादी धर्म आए उनमें कोई हिंसा को दूर करने वाला धर्म है जिस धर्म में ऐसे राजाएं हुए हो जिन्होंने हिंसा ही न की हो कोई कहे हाँ है बौद्ध धर्म है अच्छा बौद्ध धर्म है तो बुद्ध धर्म में काम विकार की हिंसा होती है या नहीं होती है काम विकार की हिंसा तो सभी में होती है परंतु उस हिंसा को हिंसा समझते नहीं है तुम बच्चे तो समझते हो हिंसा माने क्या और अहिंसा माने क्या हिंसा माने दुख देना और अहिंसा माने दुख न देना कोई भी प्रकार का दुख न हो अल्पकाल का भी दुख न हो और सदाकाल का भी दुख न हो तो भक्त द्वापर युग से सब होते हैं लेकिन कोई कोई भक्त ऐसे हैं जो द्वापर के आदि में सात्विक भक्ति करते हैं आदि में हर चीज सात्विक होती है कि राजसी और तामसी भी होती है सात्विक होती है तो जो सात्विक भक्त होते हैं वो एक की भक्ति करते हैं अनेकों की भक्ति नहीं करते हैं और जो अपन को हिंदू कहलाते हैं वो और धर्मों में कन्वर्ट होते होते भागते रहते हैं एक के पीछे लगते हैं कि अनेकों के पीछे लगते हैं अनेकों के पीछे भागते हैं उनको कहा जाता है भक्त तो जो मेरे सच्चे भक्त हैं द्वापर के आदि के सात्विक भक्त हैं वो कौन होंगे हैं आदि के भक्त सूर्यवंशी जो होते हैं वो सूर्य के भक्त होते हैं एक भगवान के भक्त होते हैं कि अनेकों के पीछे भागते हैं व्यभिचारी भक्ति नहीं करते कलयुग के अंत में है करते तो हैं ऐसे तो नहीं है कि व्यभिचारी भक्ति नहीं करते परंतु ज्ञान तो भक्तों को होता नहीं तो फिर मेरे बच्चे कौन जो वर्षा प्राप्त करते हैं
भागते नहीं है, इधर उधर नहीं भागते और इधर उधर भागने वाले जिनके अंदर जन्म जन्मांतर के भक्ति के संस्कार भरे पड़े हैं भाग दौड़ करने के, वो कौन? पहचान कब होगी? संगम युग में पहचान होती है। क्या? जब मैं आता हूं तो जो मेरे बच्चे हैं उनका धर्म का नियम क्या है? पक्का पक्का है, देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। देह भले चली जाए लेकिन जिस काम के लिए जन्म लिया है मनुष्य जन्म, वो काम पूरा करना है। धरत परिय पर धर्म न छोड़िए। धरत परिय का मतलब युद्ध करते करते प्राण भले छूट जाए लेकिन जिस धर्म को पकड़ा है, जिस धर्म पिता को पकड़ा है, उसको छोड़ेंगे नहीं। परंतु इसमें भी नंबरवार होते हैं या एक जैसे होते हैं? है, नंबरवार होते हैं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कलयुग के अंतिम जन्म तक अपने धर्म पर अडिग रहते हैं, लड़ते रहते शरीर त्यागते रहते हैं, अपने धर्म की अपने देश की रक्षा करते हैं। देहं वा पातयामि कार्यं वा साधयामि। लेकिन माया किसी को छोड़ती है? है, माया किसी को नहीं छोड़ती। आखिरी जन्म में जाकर के जो शिव भगवान की अष्ट मूर्तियां कही जाती हैं, अष्टदेव, वो भी माया से हार खा जाते हैं। है, लेकिन आखिरी जन्म में ये ड्रामा ऐसा क्यों बना? इसलिए बना कि आठ भी तो नंबरवार होने चाहिए कि एक जैसे होंगे, नहीं तो नंबर कैसे बनेंगे माला के? आठ की जो माला है उसमें भी कोई मणका ऊपर है, कोई नीचे, कोई दाई ओर का, कोई बाई ओर का, ये पता कैसे चलेगा? इसलिए ये भी ड्रामा में नूंद है कि माया को सर्वशक्तिवान बनना ही है। जैसे बाप सर्वशक्तिवान है वैसे माया भी सर्वशक्तिवान है। किसके मुकाबले है? बच्चों के मुकाबले सर्वशक्तिवान। और बाप के सामने है? बाप के सामने बाप के लिए सर्वशक्तिवान नहीं लेकिन बाकी सब बच्चों को तोड़ लेती है। ब्रॉड ड्रामा में ही तोड़ती होगी कि शूटिंग पीरियड में भी तोड़ लेती है? है,
क्या शूटिंग पीरियड में भी तोड़ लेती है। तो बोला भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ लगेगी। कितनी भीड़ लगेगी बताओ है? अरे कोई संख्या होगी कि नहीं? अरे 550 करोड़ सब की भीड़ लगेगी, 4.5 लाख की भीड़ लगेगी। माने जो 4.5 लाख हैं सूर्यवंशी, सूर्य के वंश वाले, उनकी भीड़ लगेगी, उसको भीड़ कहेंगे। जो 4.5 लाख हैं, जिस वंश के होते हैं, उस वंश का गुमान रहता है या नहीं रहता है? है? बहुत गुमान रहता है। तो जो सूर्यवंशी होंगे 4.5 लाख, उनको अपने वंश का गुमान तो रहता है। किस आधार पर? कि हम ज्ञान सूर्य की रोशनी वाले हैं, चंद्रमा की रोशनी वाले चंद्रवंशी नहीं। हम कोई अन्य ग्रह उपग्रह की रोशनी वाले नहीं है। सितारे, सितारों के रोशनी और सूर्य की रोशनी में फर्क होता है या नहीं होता है? बहुत फर्क होता है। इसलिए मुरली में बोला है जो पहले वंश के होंगे, अल्लाह अव्वलीन के वंश के होंगे, उनकी भी कोई शिफ्ट होती है। जो शिफ्ट है कोई और धर्म की प्रजा में नहीं होती है। क्या? ज्ञानी तू आत्माएं होते हैं। क्यों ज्ञानी तू आत्माएं होते हैं? क्योंकि वो आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं। कैसे पार्टधारी हैं? ऑलराउंडर पार्टधारी हैं। तो ऑलराउंडर में ज्यादा ज्ञान होगा ड्रामा का, या 2-4 जन्म लेने वालों में ज्यादा ड्रामा का ज्ञान होगा? जो ऑलराउंडर एक्टर्स हैं, उनको ड्रामा का ऑलराउंड ज्ञान होता है। तो 4.5 लाख ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं, वारसदार हैं। और जो बाप है ज्ञान सागर, वो आकर के क्या देता है? राजा ही तो बाद में मिलेगी कि पहले ही मिल जाती है? आने से बाद में मिलेगी, लेकिन आके क्या देता है? उसका बड़े थे बड़ा, पहले थे पहला वर्षा क्या है? ज्ञान ही तो वर्षा है। ज्ञानी माने जानकारी वाला, ज्ञान माने जानकारी, अपनी आत्मा की जानकारी, अपने बाप की जानकारी और अपनी आत्मा के अनेक जन्मों की जानकारी। जितना जितना जानकारी होगी, बाप की पहचान होगी, बाप के वर्षे की भी पहचान होगी या नहीं होगी? तो जितना जास्ती बाप के वर्षे की पहचान होगी,
वो बाप के वर्षे को पूरा लेना चाहेगा या अधूरा लेके छोड़ देगा? बाप के 10 बच्चे होते हैं, छोटे बड़े 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 ते बड़े, सबसे जास्ती जानकारी कौन से बच्चे को होती है? बड़े बच्चे को होती है, पूरे वर्षे की जानकारी होती है। तो भारतीय परंपरा में जो भी राजाइयां हुई हैं, राजाएं हुए हैं, कौन से बच्चे को राजाई मिलती रही? बड़े बच्चे को राजाई मिलती रही। बाप का वर्षे का हकदार बड़ा बच्चा बनता है, बाकी फिर नंबर वार बनते हैं। ये भी बेहद का बाप है, तो बेहद के बाप का, बेहद का वर्षा क्या बताया? मुक्ति और जीवन मुक्ति। किससे मुक्ति है? दुख और दर्द से जीवन मुक्ति। कितने जन्म की है? अरे कितने जन्म की मुक्ति है? 21 जन्म की, सिर्फ 21 जन्म मुक्ति मिलेगी, बाकी 63 जन्म दुख दर्द में ही बीतेंगे, और वो सबके एक तरह से बीतेंगे कि नंबरवार है, नंबरवार होंगे, क्योंकि नियम बना हुआ है 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्म का भी हिसाब किताब बन जाता है। 21 जन्मों में जिसने जितने परसेंटेज में आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस की है संगम में, उतना ही वो प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। तो बात किसकी हो रही थी? भक्तों की और बच्चों की? नहीं, हाँ बच्चों की। बच्चे वारसदार होते हैं, भक्त वारिसदार नहीं होते। अब प्रश्न है कि भक्त कितने हैं? और वारिसदार कितने हैं? 10 करोड़ भक्त हैं। 10 करोड़ तो त्रेता के अंत तक होते हैं, जो परमधाम से नीचे उतरते हैं, संगमुग में ज्ञान में उतरते हैं। क्या ब्रॉड ड्रामा में अव्यक्त स्टेज से व्यक्त में आते हैं, और शूटिंग पीरियड में अज्ञान युक्त जो आत्मा थी परम धाम में, जड़वत आत्मा थी या चैतन्य थी? अज्ञानी थी या ज्ञानी थी? जड़वत माने अज्ञानी। तो सतयुग के आदि से सृष्टि पर आत्माओं का आना शुरू होता है, तो जैसे चैतन्य होने लगी, यहां शूटिंग होती है संगम युग में। बाप को पहचानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, तो ज्ञानी हुए, उससे पहले अज्ञानी थे। सारी सृष्टि कैसी अवस्था में थी? जो मुसलमान कहते हैं क्या कब्र दाखिल हो जाते हैं,
तो सारी सृष्टि के 500 करोड़ मनुष्य है। 76 से पहले क्या थे? जड़त्वमय स्टेज में थे, बाप को पहचानते थे या नहीं पहचानते थे? है नहीं पहचानते थे। 76 जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया ब्राह्मणों की दुनिया में, वो 76 से नंबरवार बाप को पहचानना शुरू किया, माना चैतन्य स्टेज में आना शुरू किया, अज्ञानी से ज्ञान युक्त स्टेज में आए, अपने को भी जाना और अपने बाप को भी जाना, पूरा जाना या नंबरवार जाना? है नंबरवार जाना। पूरी जानकारी तो अपने आत्मा की 76 में भी किसी बच्चे को नहीं, प्रजापिता को होगी। है प्रजापिता को भी अपने 84 जन्मों की जानकारी नहीं होती। सिर्फ इतना पता चलता है कि मैं आत्मा जो बीज हूं, वो बीज किस किस्म का बीज हूं, है बीजों की भी वैरायटी होती है कि नहीं। यहां भी ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इसकी वैरायटी है, मुख्य मुख्य वैरायटियां कितनी है मनुष्य सृष्टि झाड़ की? है दस वैरायटियां हैं, दशावतार माने गए हैं भगवान के। उनमें मानवीय अवतार कितने हैं और जानवरों के अवतार कितने हैं? है राम और कृष्ण मानवीय अवतार हैं और बाकी तो सब कोई जानवर हैं, कोई राक्षस जैसे भी है। और भगवान मनुष्य के बीच में आता है कि जानवरों में आता है या राक्षसों में आता है? है या देवताओं में आता है? मनुष्य रूप में आता है। तो मनुष्य रूप के जो दो अवतार हैं, राम और कृष्ण, ऐसे माने जाते हैं। लेकिन भगवान दो दो होंगे या एक ही होगा? भगवान दो नहीं होते, लेकिन बच्चों के जीवन को निर्माण करने वाले कितने होते हैं? जीवन को बनाने वाले दो ही होते हैं, माता और पिता। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में परिवार में भी ऐसे ही है, भगवान के दो रूप हैं। जैसे कोई बीज होते हैं, दो दल वाले होते हैं, जैसे चना मटर मूंग, कोई बीज होते हैं एक दल वाले होते हैं। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का बीज है या निवृत्ति मार्ग का बीज है? भगवान प्रवृत्ति मार्ग का बीज है। माता और पिता दो रूपों में आता है, परंतु बच्चे पहले किसको पहचानते हैं? पहले माता को पहचानते हैं। क्या पहचानते हैं? कि ये ही सर्वे सर्वा है। क्या खिलाती है, पिलाती है, सफाई करती है, जन्म देती है,
बच्चों को इतना ही चाहिए और कुछ ज्यादा चाहिए? बच्चा बुद्धि को कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? थोड़ा चाहिए, थोड़े में ही संतुष्ट। और बच्चा बुद्धि जब सालिम बुद्धि बनती है, बालिग बनती है, तो थोड़े में खुश होगा या ज्यादा चाहिए? देखता है कि माता पिता में जो देने वाले हैं, उन माता पिता के रूप में देने वालों में ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा पावर किसके पास है? जान लेते हैं कि नहीं? क्या जानते हैं? माता के पास ज्यादा पावर है या बाप के पास ज्यादा पावर है? बाप के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, ज्यादा पावर है, ज्यादा ताकत है, तो बाप की प्रॉपर्टी पर उनकी नजर रहती है। किसकी? बालिग बच्चों की या नाबालिग की? बालिग बच्चों की। तो सृष्टि रूपी रंगमंच पर वैरायटी बीज है, वैरायटी बीजों का ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। इस वृक्ष में प्रवृत्ति मार्ग के धर्म कौन कौन से हैं? जो आदि से अंत तक प्रवृत्ति मार्ग को अपनाते हैं, है आदि सनातन देवी देवता धर्म, प्रवृत्ति मार्ग का है। धर्म स्थापक भी प्रवृत्ति मार्ग का है, इसलिए आदि से लेकर अंत तक जिस धर्म के लिए कहा गया प्रायः लोप होता है, पूरा लोप नहीं होता है, वो प्रवृत्ति मार्ग का है। दो ही है कि कोई और भी है? है? अरे दो ही धर्म है प्रवृत्ति मार्ग को पक्का फॉलो करने वाले कि कोई और भी है? कौन? हाँ, एक तीसरा भी है, सिख धर्म। जो तीसरा धर्म है वो भी लंबे समय तक प्रवृत्ति मार्ग का ही पक्का रहता है, लेकिन कलयुग के मध्य में आते आते प्रवृत्ति मार्ग का ही रहता है या निवृत्ति मार्ग में हो जाता है? है? अरे अरे प्रवृत्ति में ही तो रहता है, निवृत्ति में तो नहीं जाता। हाँ, ये कहेंगे कि सिख धर्म थोड़े समय का है, जब ज्यादा भीड़ पड़ती है देवात्माओं के ऊपर, तो उस ज्यादा भीड़ के समय वो धर्म की आत्माएं तैयार होती हैं देवात्माओं को स्पेशल सहयोग देने के लिए। क्या? देवात्माएं जो हैं कच्ची पड़ जाती है, और वो नया नया आया हुआ ताजा धर्म देवात्माओं के मुकाबले पावरफुल होगा या कमजोर होगा? पावरफुल होता है, और उस धर्म का मकसद ही ये है कि देवी देवताओं को अंत तक सपोर्ट करना। तो सपोर्ट करती है, जो भारतवासी मुसलमानों और अंग्रेजों के पूरे चंगुल में फंस जाते हैं, उनको मुक्ति दिलाने में सबसे आगे कौन गए? है?
हिंदुओं ने उतना बलिदान नहीं किया, सिखों ने उससे जास्ती बलिदान करके दिखाए। क्यों? वो तो नया धर्म है, इतने पावरफुल नहीं होने चाहिए। और देवी देवता सनातन धर्म की आत्माएं तो पुरानी है, तो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। परंतु जितने पुराने होते हैं उतने तमो प्रधान बन जाते, और जितने नए होते हैं कम तमो प्रधान बनते हैं। तो अंत में जो सहयोग मिलता है सिख धर्म की आत्माओं से, देवी देवता सनातन धर्म को सपोर्ट मिलता है, वो किन आत्माओं से मिलता है? सिख धर्म से क्यों मिलता है? और कोई धर्म से क्यों नहीं मिलता है? नहीं, और वो भी सिख धर्म भारत के पश्चिम में ही क्यों फैला हुआ है? भारत के उत्तर में, भारत के दक्षिण में, भारत के पूर्व में इतना क्यों नहीं फैला? वो धर्मखंड है सारे भारत में है या भारत के कोई स्पेशल प्रदेश में है? कौन सा स्पेशल प्रदेश है? पंजाब। क्या नाम क्या पड़ा? पंजाब। आब माने क्या? आब माने आबरू। क्या? आब माने आबरू। काहे की आबरू है? पंजा की आबरू। किसकी आबरू? पंजा। ये पंजा है ना, किस बात का ज्यादा द्योतक है? पांच पांडवों का द्योतक है, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव है। सबसे छोटी उंगली कौन सी है? सहदेव। किसका? सह किसका सहयोगी है? किसका सहयोगी? देवता धर्म का सहयोगी। नाम पड़ा सहदेव, और वो किस धर्म से कनेक्टेड है? सिख धर्म। बाम मार्गी है या दाई ओर का है? बाम मार्गी कहा जाता है जो उल्टे रास्ते में चले जाते हैं, विभिचारी बन जाते हैं, अनेक शादियां करते हैं। और दाई ओर वाले वो हैं जो अनेक शादियों में विश्वास नहीं रखते, पवित्रता को महत्व देते हैं। जो पवित्रता को महत्व देने वाले धर्म है वो है सूर्यवंश, चंद्रवंश, बौद्धि, सन्यासी और सिख।